हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं झारखंडी ब्लॉग्स। तो गाइस, जैसा आप लोग जानते ही हैं, मैंने फर्स्ट इंट्रो वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जहां पर हम लोग जा रहे हैं गंजिया डैम, और इस डैम में आपको नया नया पिकनिक प्लेस दिखेंगे जहाँ हमेशा कोई ना कोई आते रहते पिकनिक प्लेस। ये बेसिकली झारखंड जमशेदपुर के छोटे से एक गाँव के पास है, जहाँ उदयपुर नाम का एक गाँव है, वहीं सामने में ये डैम आता है। तो आई होप गाइस पसंद आएगा और आप लोग इस ब्लॉग में बहुत इन्जॉय करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरा दिखाऊंगा ब्लॉग्स कैसा क्या नहीं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, मैं मिलता हूं आपको ब्लॉग में आगे। देख सकते हैं एनआईटी कॉलेज है, और इस कॉलेज का नया ब्लॉग मैं आपके लिए अलग से लाऊंगा। पर हम लोग जिस लोकेशन पे आज जा रहे हैं वो लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, इसका ब्लॉग मैं आपको अलग दिन लाऊंगा। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ ये एनआईटी कॉलेज कैसा है। तो गाइस बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, चलिए मैं मिलता हूँ आपको ब्लॉग में। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ गंजिया, और मेरे साथ मैं अभी हाईवे में हूँ, और मेरे साथ है मेरा एक दोस्त और मेरा अपना स्कूटी, मेरा धन्नो। मैं अपना स्कूटी को धन्नो बोलता हूँ। तो हेलो गाइस, ये है कौशल और इसका नाम है कौशल। तो मैं आपको मिलाता हूँ, चलिए इसके साथ। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कौशल माथुर है। और ये मेरा जिगरी फ्रेंड है, मैं इसको जहीं भी जाता हूँ इसके साथ जाता हूँ। तो आई होप गाइस ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है चैनल का। मैंने पहले इंट्रो का वीडियो बनाया था, और अभी मेरे ब्लॉग का ये फर्स्ट वीडियो है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और मैं मिलूंगा आपको आगे वीडियो में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गंजिया डैम। कैसा लगा मेरा मजाक? और देख सकते हैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ऐसे धूप इतना दे रहा, और प्लस हम लोग आप लोग के लिए ब्लॉग के लिए इतना दूर आए हैं। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि झारखंड जमशेदपुर का ये बहुत पॉपुलर प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ये ब्लॉग में, कंटिन्यू रहिए। ये मेरा दोस्त, एक बार हाई कर दो दोस्त। जैसा आप लोग को दिखाता हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ गंजिया डैम। आप लोग ये लोकेशन जानते ही होंगे, जो झारखंड और झारखंड जमशेदपुर संग हुए लोकेशन हमेशा जानते ही होंगे, क्योंकि गंजिया डैम इतना फेमस जगह है कि कोई भी जानता होगा, छोटा से लेकर बड़ा तक सब किसी को ये गंजिया डैम पता ही है। तो जैसे गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा लोकेशन आप लोग जैसे देख रहे हैं गंजिया डैम, और ये डैम बहुत ही बड़ा है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा। और जैसा आप लोग देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे वो जो टूटा वाला पुल है, वो बहुत पहले एक बड़ा सा नदी में बाढ़ आया था, जिसके कारण वो पुल टूट चुका है अभी। बेसिकली उस पुल में अभी कोई नहीं जाता, वो दोबारा अभी बनेगा भी नहीं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, वो जो डैम बना हुआ उसी में एक रास्ता है जाने के लिए, नदी के पार और इस पार आने के लिए। तो गाइस वही पुल में आपको रास्ता मिलेगा इस पार या उस पार जाने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा उस कार में क्या है और इस पार में क्या है।
तो गाइस बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, मैं मिलता हूँ आपको ब्लॉग में आगे। जैसा आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको पूरा डैम दिखा दिया है, ये गंजिया डैम लोकेशन है और ये बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप लोग कोई पिकनिक आना चाहते हो या पिकनिक स्पॉट है तो आप लोग आके अपने फैमिली के साथ यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं गाइस धूप बहुत है, इसीलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और जैसा आप लोग मेरा फेस देखते हैं पूरा लाल हो चुका है। तो गाइस यही था वीडियो में जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये डैम है, मैंने तो आपको पूरा दिखाई दिया है, यही एक प्लेस अच्छा प्लेस है जगह जहाँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए लाया था गंजिया डैम। और गाइस ये झारखंड जमशेदपुर का सबसे अच्छा ही प्लेस है, यहाँ मैं भी दो तीन बार आ चुका हूँ पिकनिक मनाने के लिए। तो मैंने चाहा कि गाइस आप लोग को भी ये शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये डैम आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं गाइस नज़ारा, ये कुछ ऐसा नज़ारा है गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं खुला भरा जगह है बहुत। पहले गाइस होता क्या था इस जगह में, पहले एक खेती होता था, बहुत सारा खेती इस जगह में, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ खेती होती, बहुत सारा जगह खेती होती था, इस जगह खेती करते थे किसान। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ एक टेंडर पास हुआ था, बहुत साल लगभग मैं छोटा ही था उस समय, तो उस समय इस जगह एक टेंडर पास हुआ था और उस समय इस डैम का निर्माण हुआ था। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं गाइस वो जो पुल है वो पहले पुल बना हुआ था और उसी से हम लोग मैं अपना गांव आना जाना करता था गाइस, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, मेरा गांव भी यहीं करीब में है। मेरा गांव यहाँ से लगभग आपका 9 किलोमीटर होगा लगभग गाइस। और वो जो आप लोग डैम देख सकते हैं वो पहले बहुत अच्छा डैम था और उसमें उसका रास्ता बना हुआ था। तो गाइस कुछ वर्ष पहले ही, लगभग 5-6 साल पहले ही यहाँ एक बहुत भयंकर और बहुत बुरा तरीके का बाढ़ आया था, जिससे वो पुल जो आप लोग देख रहे हैं वो पूरा टूट गया था। और वो जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो छोटा सा, उस जगह 2 आदमी फंसा हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, किसी किसी को पता होगा। तो गाइस उस समय मेरे को उतना जानकारी नहीं है कि फंसा हुआ था, वो मेरे को पता है। तो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हैं उस समय, ये उस समय का बर्बादी है पुल, और अभी तक इसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है गाइस। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये इस डैम का सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा प्लेस एक यही है, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा एक घर है। तो गाइस यही डैम को 4 चांद लगा देता है, देख सकते हैं गाइस ये कुछ इस साइड में है डैम के। और जैसे आप लोग देख सकते हैं धूप बहुत है, इसीलिए आपको उतना अच्छा बेटर क्वालिटी नहीं आएगा। तो आई होप गाइस आप मेरे क्वालिटी को ना देखते हुए इस डैम के खूबसूरती को देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइज मैं आपको छोटा सा इस घर का क्लिप दे दूंगा ताकि आप लोग देख सके इस खूबसूरती और शानदार घर का, मैं आपको छोटा सा क्लिप दे दूंगा, आप लोग देखिए गाइज और बताइएगा इस डैम में कैसा ये घर लुक करता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और गाइज यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो था, तो गाइज सपोर्ट मी और आप लोग देखिएगा। तो गाइस बस खत्म करता हूँ मैं, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।